देसी गर्ल ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? ग्लोबल आइकन कही जाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका ने बॉलीवुड छोड़ हॉलीवुड जाने पर तोड़ी चुप्पी। ऐसे कई सवाल हैं जिसका खुलासा प्रियंका ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। डेक्स शिफर्ट के साथ पॉडकास्ट शो आर्मचेयर एक्सपर्ट्स में प्रियंका से पूछा गया कि किस वजह से उन्होंने अमेरिका में काम तलाशना शुरू किया, जिसके जवाब में देसी गर्ल ने बताया कि जब वो फिल्म सात खून माफ की शूटिंग कर रही थी, तब देसी हिट्स की अंजुला आचार्य ने उन्हें एक म्यूजिक वीडियो और अमेरिका में करियर बनाने के लिए अप्रोच किया था। प्रियंका उस वक्त बॉलीवुड से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। एक्ट्रेस के मुताबिक वो इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से परेशान हो गई थी, इसीलिए ब्रेक लेना चाहती थी। प्रियंका को इस म्यूजिक वीडियो ने बॉलीवुड से बाहर कदम रखने का बड़ा मौका दिया था। प्रियंका ने कहा कि मुझे इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में एक कोने में ढकेला जा रहा था, लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे, मैं ऐसे गेम खेलने में ज्यादा ठीक नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस राजनीति से थक गई थी, मैंने कहा कि मुझे ब्रेक चाहिए। एक्ट्रेस बोली, इस म्यूजिक वीडियो ने मुझे मेरी सीमाओं से पार जाने का मौका दिया था। उन फिल्मों को करने की बहुत इच्छा नहीं हुई जो मुझे नहीं मिली, जिनके लिए मुझे किसी एक क्लब या किसी ग्रुप को मक्खन लगाना पड़े। मुझे लगा कि बॉलीवुड में मैं लंबा काम कर चुकी हूँ और अब मुझे हॉलीवुड में काम करने की जरूरत है। प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड पर किए गए बड़े खुलासे के बाद कंगना रनौत उनके सपोर्ट पर आ गई हैं। कंगना ने एक बार फिर बॉलीवुड माफियाओं और करण जौहर पर निशाना साध दिया है। बता दें कि कंगना और प्रियंका ने साल 2008 में आई फिल्म फैशन में साथ काम किया था। कंगना ने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रियंका का बॉलीवुड के बारे में ये कहना है, लोगों ने उनके खिलाफ गैंगअप किया है, एक वक्त उनके साथ गेम खेले, कोने में ढकेला, जिसकी वजह से उन्हें भारत में काम करना छोड़ना पड़ा। हर कोई जानता है कि यहाँ किस गैंग की बात हो रही है। मीडिया ने उन दिनों कई बार करण जौहर और प्रियंका चोपड़ा के लड़ाई झगड़ों की खबरें भी छापी हैं, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की दोस्ती शाहरुख खान से थी। कंगना ने करण जौहर को जहरीला, ईर्ष्यालू और मतलबी शख्स बताया है। कंगना ने कहा कि करण जौहर की गैंग और माफिया पीआर पर छापा मारा जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों वो आउटसाइडर्स को हैरेस करते हैं। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने पिटबुल और कई और सिंगर्स के साथ कुछ म्यूजिक वीडियो दिए, लेकिन फाइनली उन्होंने ही टीवी शो क्वांटिको के साथ हॉलीवुड में एक्टिंग की। उन्होंने शो में अपनी भूमिका के लिए लगातार दो पीपल्स चॉइस अवार्ड भी जीते। आज प्रियंका हॉलीवुड में खास पहचान बना चुकी हैं। जल्दी वो रूसो ब्रदर्स के शो सिटाडेल और हॉलीवुड फिल्म लव अगेन में नजर आएंगी। आपको बता दें कि प्रियंका देसी गर्ल से ग्लोबल स्टार बन गई हैं। क्या बॉलीवुड आउटसाइडर को करता है इग्नोर? प्रियंका की इस बात से आप कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया के तमाम और छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।